नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ पुरी के बारे में। धरती के बैकुंठ कहे जाने वाले जगन्नाथ धाम के को विज्ञान भी चुनौती आज तक नहीं दे पाया है, और ऐसे ही कुछ रहस्यों का उद्घाटन आज हम करेंगे। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता है तो आइए जानते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित इस मंदिर में, यानी कि जगत के नाथ जो श्री कृष्ण हैं, वो अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। तीनों ही जो प्रतिमाएं हैं वो काष्ठ यानी कि लकड़ी की बनी हुई हैं। इन मूर्तियों को हर 12 वर्ष बाद बदले जाने का विधान है। पवित्र वृक्ष की लकड़ियों से पुनः मूर्तियों की प्रतिकृति बनाकर फिर से उन्हें एक बड़े आयोजन के साथ प्रतिष्ठित किया जाता है। वेदों के अनुसार भगवान हलधर ऋग्वेद रूप में हैं, श्री हरि नृसिंह यानी कि सामदेव स्वरूप हैं, सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति हैं, और सुदर्शन चक्र अथर्ववेद का स्वरूप माना गया है। वैसे तो भारत के बहुत सारे मंदिरों के साथ आश्चर्य जुड़े हुए हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के जुड़े आश्चर्य बहुत ही अद्भुत हैं। एक ऐसा मंदिर जहां विज्ञान के नियम भी काम नहीं करते और विज्ञान भी मायूस सा जान पड़ता है। जगन्नाथ पुरी जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी। समुद्र के किनारे बना यह मंदिर अपने अंदर अद्भुत दैवीय चमत्कारों को समेटे हुए है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर जाकर कोई भी इन आश्चर्यों को देख सकता है, लेकिन अनेक प्रयासों के बावजूद भी अब तक इन रहस्यों से पर्दा कोई नहीं उठा सका। तो इसकी कोशिश करनी ही बेकार है, क्योंकि हिंदू राज्य जो है, हमारी जो आस्थाएं हैं, हिंदुज्म जो है, वो चमत्कारों का ही तो नाम है। हर एक श्वास हमारी चमत्कार ही तो है। तो आइए कुछ ऐसे ही चमत्कारों के बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो मंदिर है, यानी कि जगन्नाथ पुरी का जो मंदिर है, इसका जो झंडा है मंदिर का, वो बहुत अनोखा है। ये हमेशा जो हवा है उसकी दिशा के विपरीत उड़ता है। हवा जिस दिशा में बहती है, झंडा उसकी विपरीत दिशा में उड़ता है। लोग आज तक इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि आखिर इसकी वजह क्या है। अब बात करते हैं दूसरे रहस्य की। इसके मंदिर का जो गुंबद है उस पे एक चक्र लगा हुआ है जो कि 20 फीट ऊंचा है और सुदर्शन चक्र का द्योतक माना जाता है। इसका जो भार है वो 1 टन से भी ज़्यादा है। ये चक्र मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर बना हुआ है, लेकिन इस चक्र से जुड़ी सबसे बड़ी खास बात ये है कि आप इस चक्र को शहर के किसी भी हिस्से से देख सकते हैं। इस चक्र के पीछे की इंजीनियरिंग भी एक रहस्य ही तो है। आप मंदिर के किसी भी हिस्से में खड़े हो जाएं, आपको ऐसा लगेगा कि मंदिर का चक्र आपकी ओर ही घुमा है ना चमत्कार वाली बात। अब बढ़ते हैं रहस्य नंबर 3। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मंदिर के ऊपर से ना कभी कोई प्लेन उड़ता है, ना कभी कोई पक्षी इस मंदिर के ऊपर से गुजर पाता है। भारत के किसी भी दूसरे मंदिर में ऐसा नहीं हुआ। भगवान में आस्था रखने वालों का मानना है कि राज्य सरकार ने नहीं, मगर परमात्मा ने इस क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। बात करते हैं 5वें रहस्य की। इस मंदिर की जो इंजीनियरिंग है ना, उसका एक नमूना ये भी है कि आप दिन के किसी भी वक्त यहाँ चले जाइए, मंदिर की परछाई नहीं बनती, यानी पूरे दिन में आपको मंदिर की परछाई ही नहीं दिखाई देगी। कई लोग इसे मंदिर के बेहतरीन डिज़ाइन का कारण बताते हैं, जबकि कई लोगों का कहना है कि ये भगवान की एक अनुपम शक्ति ही है। आगे बात करेंगे कि जगन्नाथ पुरी के 6ठे रहस्य के बारे में कि वो क्या है, तो आइए जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर में 4 द्वार हैं। इन चारों द्वारों में से मुख्य द्वार का नाम है सिंह द्वारम, इसको सिंह द्वार भी कहा जाता है। श्रद्धालु जब इस द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं, तब तक तो उन्हें समुद्र की गर्जना और शोर सुनाई देता है, मगर द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही समुद्र की गर्जना कहीं गुम हो जाती है, और जब तक कोई मंदिर के अंदर रहता है तब तक मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज़ ही नहीं आती है। ये भी एक चमत्कार ही है ताकि भक्तों को भगवान के दर्शन में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो। रहस्य नंबर 7। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप समुद्र के पास मौजूद होंगे, तो आप पाएंगे कि दिन के वक्त समुद्र के
समुद्र से मैदान की ओर हवा चलती है, जबकि शाम के वक्त मैदान से समुद्र की ओर हवा चलती है। लेकिन पुरी में समुद्र के पास की हवा का चाल भी बदल जाता है, यहाँ इसका बिल्कुल उल्टा होता है। दोस्तों, मंदिर में एक ऐसा अनोखा रिवाज है जिसे जानकर लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ प्रतिदिन पुजारी मंदिर के सबसे ऊपर चढ़ता है। वहाँ चढ़ना जैसे कि किसी इमारत की 45वीं मंजिल तक चढ़ना। पुजारी मंदिर के ऊपर लगे झंडे को हर दिन बदलता है। माना जाता है कि ये रिवाज बीते 1800 साल से चल रहा है। अगर एक भी दिन ऐसा नहीं किया गया तो मंदिर को 18 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक और रहस्य के बारे में बात करते हैं। मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो कभी भी बर्बाद नहीं होता और ना ही कम पड़ता है। माना जाता है किसी भी एक दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में 2000 से 20000 श्रद्धालु आते हैं, लेकिन मंदिर में बनने वाले प्रसाद की मात्रा पूरे साल एक ही होती है। इसके बावजूद भी प्रसाद कम नहीं पड़ता है, ना ही ज़्यादा बनता है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर की जो रसोई है दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इसमें एक साथ 500 से करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। मंदिर में प्रवेश से पहले दाईं तरफ आनंद बाजार और बाईं तरफ महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी मंदिर की पवित्र और विशाल रसोई है। इस रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही पकाया जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। मंदिर के इस प्रसाद को रोजाना करीब 25000 से ज़्यादा भक्त ग्रहण करते हैं। और ये प्रसाद, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ना ही बचता है और ना ही कम पड़ता है। तो दोस्तों, जगन्नाथपुरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी ये थी कुछ अहम जानकारी जो सभी को जाननी ही चाहिए। आज बस इतना ही, जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। राधे राधे, नमस्कार।